वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सौम्या, प्रियंका, हिमांशु। बच्चों, आप लोगों का एक प्रॉब्लम आया था, ठीक है, मैथमेटिक्स में, जो कि आपने क्वेश्चन शेयर किया है, ठीक है, रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन पर। आप लोगों को जब डिवाइड के फॉर्म में है तो फिर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ही प्यार से आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा 100%, एकदम सरल है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सरल है। यहाँ पर जैसे है ना 9/4, ठीक है, अब बटा में आ गया है, तो आप लोग पहले नंबर लाइन ड्रा करना जान लो, है ना। नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, है ना, ये एक नंबर लाइन है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को हम ये समझेंगे कि ये प्लस में है या माइनस में है, किस में समझेंगे, प्लस में है क्वेश्चन या माइनस में। पहले बटा में नहीं हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक बच्चों, पहले ये देख रहे हैं कि ये प्लस में है या माइनस में। तो पहले तो क्वेश्चन प्लस में है, ये भी क्वेश्चन प्लस में है, ये भी क्वेश्चन प्लस में है, ये क्वेश्चन माइनस में है और ये क्वेश्चन माइनस में है। हम लोग पूरा यहां पर करके देखने वाले हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आपका रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सॉल्व कर लोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9/4 है ना, 9/4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस संख्या में ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाला पार्ट डिवाइड कर दे रहा है या नहीं, है ना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि डिवाइड हो जा रहा है या नहीं, या ऊपर नीचे कट जा रहा है या नहीं। तो 9 और 4 साथ में नहीं कटेगा, फिक्स, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इस 9 में 4 से भाग देंगे, 9 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 9 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब 4 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार, ठीक है। 4 × 8, यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइड वाले रूल से, तो यहां पर क्या बचा, ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, है ना। इसको किस रूप में फिर हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 4, ठीक, और यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे 1, है ना, 2 सही, ठीक है, 2 सही 1/4, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 सही 1/4, 4 × 8, 8 × 9/4, इसको कन्वर्ट करने आ गया फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, ये तो आप लोगों को करने आता था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, अब ये 2 पूरा है, 2 पूरा होल है, है ना, तो यह क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0, सबसे पहले क्या करेंगे, 0, उसके बाद क्या करेंगे, 1, उसके बाद क्या करेंगे, 2, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3, है ना, बस इतना ही ड्रा करिए आप, 0, उसके बाद 1, 2 एंड 3, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ पा रहे हैं आप। तो ये 2 पूरा है, 2 सही 1/4, तो ये 2 पूरा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए 0 से 1 तक पूरा ले लेंगे हम लोग, और 2, ये 2 तो कंप्लीटली लेना है, ये बात आप समझ पाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देना, ये 2 तो पूरा लेना है। अब 1/4 मतलब एक भाग जो अगला है हमेशा इस साइड चलेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन हमेशा दाहिने साइड चलती है, ठीक है, राइट में मेरे प्यारे बच्चों, उसके आगे 1/4 है, अगर 1/4 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो क्या करोगे, घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 को 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, जैसे देखो यहां पर आप ऐसे कर दो 1, 2, तो यहां से एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, है ना, यहां पर एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा ये और ये चौथा ये, मतलब कि 2 से 3 के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में, ये आगे वाला हिस्सा को 4 पार्ट में हमेशा जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसके नीचे वाले पार्ट के जितना भी नीचे दिया होगा उतने भाग में उसका अगला वाला पार्ट को काट देंगे, है ना। 2 से बड़ा है, ये जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, है ना, तो 2 से बड़ा है तो आगे आ गया, 3 से छोटा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो एक हिस्से का 4 पार्ट काटने के बाद मेरे प्यारे बच्चों वहां पर 1/4 कर रहे हैं ना, तो ये 4 हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, 1/4
ये है 2/4, ये है 3/4, ये है 4/4, है ना, चार हिस्सों में बांटा गया था इस वाले पार्ट को। तो 1/4 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां से 0 से आपका यहां तक की पूरी दूरी जो तय किया है ये रिप्रेजेंट हम लोग कर पाएंगे यहां पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखेंगे 9/4। क्यों लिखेंगे 9/4, क्योंकि 9/4 को सॉल्व करने पर मिक्स फ्रैक्शन में 2 सही 1/4 आया था। ये बात समझ गए, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे 5/4 है, क्या है 5/4, ठीक है। अब इसको भी देखेंगे तो सबसे पहले 5 में 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे 5 में 4 से भाग देंगे। पेन कॉपी लेकर के मेरे प्यारे बच्चों साथ में करते रहिए, 4 × 1 = 4, यहां पर बचा 1, तो नीचे 4 है तो जाहिर सी बात है यहां पर 4 होगा, इसमें 4 × 1 = 4 + 1 = 5, ठीक है, 1 पूरा हो गया, ठीक है। फिर 1/4 आप समझ गए ना, देखिए 1 रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहां पर, दूसरे कलर से करते हैं, नंबर लाइन को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिए तो यहां पर कर देंगे 0, यहां पर कर देंगे 1, यहां पर कर देंगे 2, यहां कर देंगे 3, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या है, 1 पूरा है, 1 पूरा है, हम लोग 5/4 की को सॉल्व कर रहे हैं, 5/4 को, जिसमें से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 पूरा हो गया। तो 1 तो पूरा, 0 से 1 तक कंप्लीट, मतलब कि ये आपको रिप्रेजेंट तो करना ही करना है। अब इसमें ढूंढना है कि 2 से तो छोटा है ये, है ना, 2 से छोटा है ये, ठीक है, 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है कौन, 1 सही 1/4, बट 2 से छोटा है 1 सही 1/4, है ना, समझ रहे हैं, जिधर बड़ा होता है उधर क्या होता है, उधर क्या होता है, ये खुला रहता है मुंह, जिधर छोटा रहता है उधर पैक रहता है ना, इधर देखिए 2 से छोटा है ये, ठीक है, 2 से छोटा है, 2 बड़ा है, तो 2 से अंदर में ही ये आएगा, कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना है। अब इसको सीख लेते हैं, कितने पार्ट में भाग करना है, 4 पार्ट में इसको डिवीजन करना है ना, 1, 2, 3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, आप समझ पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में कट गया, ये साफ साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि 5/4, ठीक है, 5/4, इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं तो यहां पर क्या आया, 1 सही 1/4, तो 1 तो सही हो गया, ये हो गया क्या हो गया, 1/4, 1 के बाद चौथा भाग, इसका चौथा भाग, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक 4 पार्ट में तोड़े गए, कितने भाग में तोड़े गए हैं, 4 पार्ट में, 1/4, मतलब कि ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4 होगा, और ये 4/4 होगा, है ना, तो ठीक है, तो 1/4 यानी कि यहां पर रिप्रेजेंट होगी, जो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेकर के, ठीक है, यहां तक आएगा, 1 के थोड़ा सा और आगे, याद रखिएगा जो बटा में होगा उतने पार्ट पार्ट में काटना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो बटा में नीचे जो भी अंक दिया होगा उतने पार्ट में डिवीजन करना, उतना भाग बनाना है बीच में, जैसे यहां पर 3 दिया है ना, आप इसको समझोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 वाले को समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 वाले को समझने के लिए एक यहां पर क्लीन करते हैं इसको, ये समझ पा रहे हो आप, इसको भी क्लीन कर दें, ठीक है बच्चों, ये जो है आपका क्या था 2, है ना, 1 सही 1/4, ये था 2/4, ये था 3/4, ठीक है, और यहां क्या था, टोटल कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये हो गया 4/4 4/4। अब यहां पे क्या है 1/3, क्या है 1/3,
तो आप एक चीज ध्यान से समझना, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पर एक बटा तीन को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। देखो एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, वो ये कौन सा लाइन होगा, नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन जब हम ड्रा कर दिए हैं तो यहां पर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। ये क्या हो गया, वन, ये क्या होगा, टू, ये क्या हो गया, थ्री, ठीक है, ये इधर चार, यहां पर ऐसे बढ़ता चला जाएंगे, ठीक। अब हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या ध्यान देना है, एक बटा तीन को रिप्रेजेंट करता करना है इस नंबर लाइन पर, एकदम बिल्कुल इस बार सटीक आपको सीख जाना है। एक बटा तीन को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो एक में तीन से भाग देंगे, सबसे पहला काम यही है, पहले ये चेक करना होता है कि ये किस अंक से बड़ा है और किस अंक से छोटा है। चलिए एक में तीन से भाग देते हैं, ये पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों, एक में तीन से भाग देने वाले हैं हम लोग। एक में तीन से भाग जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, तो यहीं पे क्लियर हो गया कि एक से भी छोटा है एक बटा तीन, एक से भी छोटा, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब ये यहां पर कहानी क्या समझ में आई कि ये एक से छोटा है तो मतलब एक के इधर और जीरो के इधर आएगा, जीरो से बड़ा होगा जहां पे भी रिप्रेजेंट करेंगे जीरो के बाद, और एक से पहले भी रिप्रेजेंट होगा। अब एक से पहले है तो इसको कितने भाग में काटा जाए, जीरो से एक के बीच में कितना भाग किया जाए, तीन भाग करेंगे, कितना भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीन, एक यहां से यहां तक एक भाग, यहां से यहां तक दो भाग, एक ये भाग हो गया ना, एक दो और तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए जीरो से वन को, ठीक है। तो ये वन के तरफ से देखेंगे हम, ठीक है, जीरो की तरफ से नहीं, वन के तरफ से, है ना। तो अब यहां से क्या होगा, देखिए ये पहला भाग ये होगा एक बटा तीन, एक बटा तीन, ये होगा दो बटा तीन, ये होगा तीन बटा तीन, तीन बटा तीन काटोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तीन से तीन खत्म हो गया, है ना। अच्छा अब यहां पर क्या होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कहां पे रिप्रेजेंट हुआ हम लोगों का, एक बटा तीन यहां पे, है ना, एक के और इधर हुआ, क्यों, क्योंकि एक से छोटा था, अगर जीरो से बड़ा था एक से छोटा था, अगर एक से बड़ा होता तो इस साइड में होता, इसको तीन भाग में करते और इधर एक बटा तीन, दो बटा तीन, तीन बटा तीन करते, है ना। लेकिन पहले हम लोगों ने चेक किया तो ये क्या था, एक से छोटा। चेक करने का मेथड जरूरी अप्लाई करना है, अगर आप चेक करने का मेथड अप्लाई नहीं करते हो तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और एक क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, प्रयास करिए सॉल्व करने का अपने से। ये देखिए माइनस थ्री है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस थ्री। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि एक नंबर लाइन ड्रा करिए आप, ये नंबर लाइन ड्रा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया जीरो, है ना, इधर होगा एक, इधर होगा दो, इधर होगा तीन, ये बात समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव चलता चला जाएगा। जब हम राइट में जाएंगे, जब लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसा होगा, होगा ना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि एक नंबर लाइन ड्रा करना है, बीच में पार्ट जीरो होगा, उसके राइट साइड में प्लस प्लस में जाएंगे और लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस में आएंगे। यहां तक बात समझ में आई, एकदम बेसिक समझिए। अब पहले वही प्रक्रिया, पहले तो आप ये भूल जाइए, बिल्कुल भी आप ये भूल जाइए कि किसी भी हालात में यहां पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस में सिंबल, इस माइनस को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, है ना, माइनस को अपने हिसाब से डिलीट कर देना। क्यों, एक तरह से देखिए तो सॉल्व हो गया माइनस, क्योंकि माइनस की तरफ काम करेंगे तो माइनस सॉल्व हो गया, है ना। अब बचा है तीन बटा पांच, मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं कि तीसरे स्थान पर पांच भाग काट दें, नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती होती है, यही गलती नहीं करना है। अब तीन में पांच से भाग देंगे, क्या करेंगे, तीन में पांच से भाग देंगे, एक भी बार जाएगा, नहीं जाएगा ना, ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, ये डेसिमल में आ जाएगा, 0.06 आ गया, मतलब कि एक से कम है, है ना, एक से कम है। अब ये क्लियर हो गया यहां पर कि जीरो और एक के बीच में ही जो कार्य होना है वो होगा, इस बात से आप सहमत हैं,
ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों समझ में? ये क्लियर हो गया है कि जीरो और एक के बीच में ही बात होगी, क्योंकि ये एक से ना बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है, तो जीरो और एक के बीच में बातें होंगी। ठीक, इसको कैसे करोगे आप, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो आपको करना क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया कि एक से छोटा है, तो तीन बटा पांच, ठीक है, तीन बटा पांच है तो पांच भाग कर दीजिए। इसको पहले सॉल्व करेंगे आप, कैसे करेंगे? एक के बीच में आया तो इसका नीचे कितना पार्ट है? पांच पार्ट है। कितने पार्ट है? पांच पार्ट है। एक और जीरो के बीच में आप लगाइए कट, कितने कट लगाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? पांच, एक दो तीन चार। क्यों चार लगाए? देखिए एक यहां से एक पार्ट, दो पार्ट, तीन चार पांच, पांच भाग बन गया ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से, पांच पार्ट में कट गया। तो ये पहला वाला जब जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि माइनस की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तीसरा पार्ट हमको ढूंढना है पांचवें भाग का, ठीक है। ये पांच भाग में कट गया, जीरो से वन के बीच में पांच भाग में कट गया, अब तीसरा वाला भाग हमको ढूंढना है। तो ये क्या होगा? एक बटा पांच। ये क्या होगा? दो बटा पांच। ये वाला पार्ट क्या होगा? तीन बटा पांच, है ना। अब ये जीरो से इस साइड में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आ रहा है। ये कंप्लीट आपका सेटअप यहां पे तैयार हो गया। ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कॉपी पे मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% सही है, ठीक है। पहले आपने चेक किया, इसको सॉल्व करके डिवाइड करके कि एक के वैल्यू के से ऊपर है या नीचे है, कि दो के बराबर है कि तीन के बराबर है, तो आपको क्या मिला कि तीन में जब पांच से भाग दिए तो पॉइंट में गया, यानी कि एक से छोटा है और जीरो से ज्यादा था, है ना, 0.6 था, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब जीरो के तरफ से इस साइड कब जाते हैं? जब प्लस में क्वेश्चन होता, जब माइनस में है तो बैक में आएंगे। जब बैक में मेरे प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं निगेटिव की तरफ, तो पहला वाला एक बटा पांच होगा, एक की तरफ चल रहा है इसलिए एक की बात कर, एक बटा पांच, दो बटा पांच, तीन बटा पांच। क्यों पांच? क्योंकि यहां पर पांच है, ये जीरो और एक के बीच पांच खंड में डिवाइड किया गया है, है ना। अब इसमें जब ड्रा करेंगे तो छह खंड में डिवाइड करेंगे। जब यहां पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर माइनस में है तो यहां पर जीरो कर लेते हैं, इधर वन, यहां टू, यहां थ्री, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तुरंत तो समझ में आ जाएगा। अब आठ में छह से भाग देना है, छह एक कम छह, यहां बचा दो, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? छह एक कम छह दो आठ, आठ बटा छह लिखें या एक सही दो बटा छह लिखें, कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इसको आप दूसरे फॉर्मेट में काट भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काट कैसे सकते हैं? इसको देखो, दो एक कम दो, दो तीन छह, तो एक सही एक बटा तीन भी लिख सकते हैं। तो एक सही मतलब कि एक जीरो से एक तक सही हो गया, ये पूरा फाइनल हो गया। ये चाहिए रिप्रेजेंट के पेपर पे, ये चाहिए। एक कंप्लीटली यहां पर सॉल्व हो चुका है, अब चाहिए एक बटा तीन। तो इसके आगे ही जब भी बात करोगे, ये नहीं कि एक का तीन भाग सर कह रहा है, इसके जब भी बात करोगे आगे ही तीन खंड करोगे। अब इसको एक दो तीन खंड में डिवाइड कर दिए, अब क्या चाहिए इसको? एक बटा तीन। तो यही वाला पहला ही तो है, एक बटा तीन, ये हो जाता दो बटा तीन, ये हो जाता तीन बटा तीन, होता ना। तो एक बटा तीन ये है, चले कहां से? यहां जीरो से एक बटा तीन तक। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ग्राफ डिजाइन किया गया है, ये पर्सनली सौम्या बिटिया के लिए, हिमांशु बेटे के लिए और प्रियंका बेटी के लिए, इन तीनों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैसेज आया था डिस्क्रिप्शन में, जिसके बिहेव पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसमें माइनस में भी दर्शाने के लिए मिल गया, शो करने के लिए रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, निगेटिव का भी क्वेश्चन मिल गया, बटा वाला भी क्वेश्चन मिल गया, आपको मिक्स फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन मिल गए, सारे तरीके के क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों मिल गया। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं कि 9 बटा 4 है या फिर 5 बटा 4 है। 9 बटा 4 है तो पहले आप उसको भाग दे दो, भाग देने के बाद ये पूरा इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। दो सही था तो पहले एक
एक के बाद दो आता, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, ये तो दो कंप्लीट हो गया, ये साल हो गया, रिप्रेजेंट हो गया दो। उसके बाद एक बटा चार, उसके आगे वाले को चार पार्ट में काट देना है आपको, और पहला वाला होगा एक बटा चार, दूसरा वाला का दो बटा चार, तीसरा वाला तीन बटा चार, चौथा वाला चार बटा, आपको चाहिए क्या एक बटा चार। एक बटा चार के पास जाएंगे, जीरो से एक बटा चार यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट आर नंबर लाइन कंप्लीट हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां से फटाक्शन आप लोगों के पास तक इस प्रॉब्लम का सलूशन पहुंच जाए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।